जंगों की आग में झुलसी हुई इंसानियत इन दिनों एक अजीबो गरीब मफरूजे के नरगे में आई हुई है। बेशतर मुफक्किरीन कदीम तहजीबी मालूमात, साइंसी नजरियात, पेशगो हजरात के दावों और मौजूदा आलमी सूरत हाल को एक कड़ी में पुरोते हुए ये खौफनाक ऐलान करते नजर आते हैं कि दुनिया 21 दिसंबर 2012 में या तो तबाह हो जाएगी या मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगी। कहानी जितनी भी तवील हो आखिर एक न एक दिन खत्म हो ही जाती है। शायद इसीलिए कहा जाता है कि हर कहानी का इख्तिताम एक नई कहानी का आगाज बन जाता है। क्या इस दुनिया की कहानी भी अपनी तबई उम्र को पहुंच रही है? कई मकातिब फिक्र इन दिनों बदहवासी के आलम में शोर मचा रहे हैं कि ठीक 21 दिसंबर सन 2012 को दुनिया मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगी। आखिर इस दिन ऐसा क्या होने वाला है? दिसंबर 2012 को हमारा जो सैयारा प्लैनेट अर्थ है वो सेंटर ऑफ द यूनिवर्स के साथ अलाइन के अंदर एक ही दफा होता है और इसकी वजह से दुनिया में लोग, इंसान, यहां तक के जो हमारे सैयारे सोलर सिस्टम भी, इन सब के ऊपर एक काफी गहरा असर एनर्जी के सूरत में आएगा। कुदरत ने कायनात का मिजाज ही ऐसा बनाया है कि इसकी हर तखलीक को एक ना एक दिन फना का मजा जरूर चखना पड़ता है। जब जमीन पर पहला इंसान उतारा गया उस वक्त से आज तक इस कसीर जहती दुनिया के खत्म हो जाने का खौफ इंसान के दिल में बैठा हुआ है। इंसान अपने इर्तिका की अवाइल उम्री में कुदरत के असीम शान मजाहिर देख कर डर जाता था। सूरज ग्रहण होता तो समझता था कि बस अब दुनिया खत्म होने वाली है। आंधी चलती तो इसके जहन में बका के तूफान खड़े हो जाते। सैलाब आते तो डूबने वाला इंसान ये समझता था कि आखिरकार कयामत ने इसकी जमीन को आदबोचा। आतिश फिशां जब लावा उगलते तो इंसान इसे खालिक़े कायनात का गैज़ो गज़ब जानकर ये समझ बैठता कि अब दुनिया को जलकर राख होने से कोई नहीं बचा सकता। जलजले आते तो चटकती हुई जमीन चीख चीख कर यह ऐलान करती कि जमीन के जिस्म पर दराड़ें पड़ गई हैं, अब यहाँ जिंदगी का कोई सवाल नहीं। लेकिन जिंदगी की ये शाहराह पता नहीं कितनी कयामतों से गुजरने के बावजूद आज भी पूरी तवानाई के साथ रवां दवा है। 21 दिसंबर 2012 में जो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मैंने जायचा बना के देखा है उसमें मेरा नहीं ख्याल के कोई ऐसी तब्दीली जो किसी नुकसान का सबब हो या नेचुरल डिजास्टर कह लें या कोई और कोई नेगेटिव उसमें पॉइंट नजर आ रहा हो, मेरा नहीं ख्याल। सदियां गुजर जाने के बावजूद आज की महज़्ज़िब तरीन दुनिया भी जिंदगी के वजूद और अदम के इस खौफ से बाहर नहीं निकल पाई। आने वाले कल से घबराए हुए आज के इंसान को सदियों पुरानी पेशगोइयों की सदाएं सुनाई दे रही हैं। कदीम रिवायात की अलामती तशरीहात जहनों में अनहोनी का खौफ उजागर कर रही हैं। सिर्फ यही नहीं, साइंसी तौजीहात, तारीख के औराक और दुनिया के हालिया हालात, माजी में की जाने वाली मुस्तकबिल की पेशनगोइयां बा आवाज़े बुलंद ये ऐलान करती हैं कि जिंदगी का पहिया रुकने वाला है। ये निजामे आबो गिल खलाबुर्द होने वाला है। जिंदगी की कसीर जहती एक नुक्ते में मुकीद होने वाली है और आखिरी दिन आने वाला है। साइंस कहती है कि जिंदगी एक धमाके यानी बिग बैंग से वजूद जहूर में आई। क्या जिंदगी का इख्तिताम भी किसी खौफनाक धमाके से होगा? अगर ऐसा है तो फिर जिंदगी का इख्तितामी धमाका कब होगा? 21 दिसंबर सन 2012 को या फिर किसी और दिन? बकाओ फना के सवाल में उलझे हुए सीमाब फितरत और पुरतजस्सुस इंसानों ने आने वाले दिनों की एक इंतहाई खौफनाक तस्वीर बना डाली है। गुमा गश्त पूरे यकीन से ये कहते नजर आते हैं कि 21 दिसंबर 2012 का दिन जमीन पर कयामत बनकर उभरने वाला है। 21 दिसंबर 2012 के हवाले से इनके पास पहला सबूत मायान कैलेंडर है।
ये कैलेंडर बनाने वाली मायान तहजीब का सुराग 609 कबल मसीह से मिलता है। ये कौम अपने वक्तों में इल्म का समंदर समझी जाती थी। इन्होंने सितारों की चालों और दीगर उलूम को सामने रखकर एक ऐसा कैलेंडर बनाया जिसकी सुई 21 दिसंबर 2012 पर आकर रुक जाती है। इस कैलेंडर के हिसाब से इस दिन के बाद दुनिया या तो हमेशा हमेशा के लिए तब्दील हो जाएगी या मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो जाएगी। अगर हम मायन रूइंस पे जाएं, तो उन लोगों ने अपनी जितनी भी रिकॉर्ड्स छोड़े हैं पिक्चर्स के फॉर्म में, हायरोग्लिफिक्स के फॉर्म में, अगर उसको पढ़ा जाए और उनकी प्रोजेक्शंस को देखा जाए तो आज इंसानियत में जो भी हो रहा है, हमारे प्लैनेट अर्थ पे हो रहा है, उनमें बहुत सच्चाई है। यानी कि उनकी प्रोजेक्शन की एबिलिटी जो है वो बहुत अच्छी थी और उन्होंने जो भी आज तक प्रिडिक्ट किया है वो बहुत एक्यूरेट डिग्री तक प्रिडिक्ट हुआ है। लेकिन एक जगह प्रॉब्लम शुरू जाती है, उन्होंने सिर्फ 21 दिसंबर 2012 तक ही प्रोजेक्शन की और उनके हिसाब से 21 दिसंबर 2012 के आगे उनको कुछ नजर नहीं आ रहा। है माजी, हाल और मुस्तकबिल का। माजी जिसकी तलखियों से निजात मुमकिन नहीं, हाल जिसे एक रोशन सवेरे की तलाश है, और मुस्तकबिल जिसकी बेहतरी की फिक्र हर चेहरे पर दिखाई देती है। कल के वादे, आज के दावे, सच्चाई क्या है, देखिए हमारी नजर से सिर्फ कल तक। कल तक पीर से जुमेरात रात 10:05। कल तक को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ इश्तराक किया है हूर ब्यूटी सोप। हूर ही मुझे हूर बनाए, नया हूर ब्यूटी सोप, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, इस्लामाबाद और लाहौर से सफर करें बार्सिलोना तक नॉन स्टॉप, आगाज 29 मार्च से। और वारिड टेलीकॉम ने जब रेट हो 60 पैसे तो हर कोई बोले दिल खोल के, वारिड लाइफ का नेटवर्क। मेरी खबर एक्सप्रेस न्यूज, मेरी खबर एक्सप्रेस न्यूज पर, मेरी खबर एक्सप्रेस न्यूज पर, हम सब की खबर एक्सप्रेस न्यूज पर। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। तब्दीली के अमल से गुजरते हुए दुनिया के रोजो शब, बढ़ते हुए खतरात, जा बजा बिखरे हुए हादसात, अनगिनत मसाइल का सामना और इन मुश्किलात को हल करने की तगोदौ, गौर व फिक्र और सोचो विचार, जहां भी जो कुछ भी हो रहा है देखिए एक्सप्रेस न्यूज पर। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। ये है हमारी दुनिया, हर शहर से, हर मकाम से, हर खबर पर नजर। यही है अपना देश। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। क्या सिर्फ मायान कैलेंडर पर इक्तफा करके ये यकीन कर लेना चाहिए कि 21 दिसंबर सन 2012 को नस्ल इंसानी तारीख का हौलनाक तरीन दिन देखेगी, या फिर इस दिन के बारे में पाए जाने वाले दीगर हवाले भी किसी अनहोनी की तरफ इशारा करते दिखाई देते हैं। हजार 2012 के बारे में साइंस भी कई अजीबोगरीब मफूजों के दरमियान घिरी खड़ी। नासा के मुताबिक सूरज अपने मदार के गिर्द 11 साल में एक चक्कर मुकम्मल करता है और 2012 में एरिस नामी सैयारा सूरज के करीब आ जाएगा। इसकी कशिश की वजह से सूरज अपना रुख तब्दील कर लेगा। ऐसा होने से जमीन को मनफी लहरें अपनी लपेट में ले लेंगी और जमीन पर शमसी तूफान आ जाएगा।
इस इदारे की ये तहकीकात भी सामने आई है कि एरिस हमारे निजामे शमसी के करीब 3600 साल में एक बार आता है। ऐसे में फिर ये सवाल जहन में उभरता है कि आज से 3600 साल पहले भी एरिस सूरज के सामने आया होगा, तो फिर उस वक्त कयामत क्यों नहीं आई? अगर वो लम्हा इंसान पर कयामत बनकर टूटा भी था, इस बारे में तारीख इतनी खामोश क्यों है? माहिरीन के ये अंदाजे आखिर कैसे साबित करते हैं कि किसी मखसूस साल का कोई मखसूस दिन ऐसा आएगा कि उसके बाद फिर कुछ नहीं होगा? ऐसे अंदाजे तो अंदाजा नहीं कितनी सदियों से लगाए जा रहे हैं। आखिर इन अंदाजों की सदाकत को परखा कैसे जा सकता है? पोलर शिफ्ट थ्योरी के बारे में माहिरीन फलकियात कहते हैं कि एक ऐसी तब्दीली आने वाली है जिसके दौरान चंद ही दिनों या घंटों में कशरे अर्ज आनन फानन सुकड़ जाएगा। इसके नतीजे में शुमाली और जुनूबी कुतुब अपना महले वकू या मकाम तब्दील कर लेंगे, ग्लेशियर पिघल जाएंगे, जमीन जलजलों से चटकती चली जाएगी, बिपड़ता हुआ सुनामी सब कुछ अपनी लपेट में ले लेगा, आतिश फिशां फट पड़ेंगे और पहाड़ ढह जाएंगे। साउथ पोल हमारे जिस तरह चल रहे हैं ये उल्टा चलने लग जाए, इसका मतलब है कि नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरह चलने लग जाएगा, साउथ पोल नॉर्थ पोल की तरह चलने लग जाए, इससे हमारे सैयारे के ऊपर बहुत नेगेटिव इफेक्ट्स आ सकते हैं। क्योंकि जिन जगहों को हम लोग ठंडा समझते थे और जहां पे हर जगह बर्फ ही बर्फ है, ये जगह से सारा की सारी बर्फ जो है ये पिघल सकती है, दुनिया में पानी बढ़ सकता है, और जो जगह जहां पर इंसान अभी आबाद है, जिसको हम लोग समझ रहे हैं कि गर्म जगह है, यही जगह कल ठंडी जगह बनके पूरी बर्फ के अंदर लिपट सकती है। तो पोलर शिफ्ट से हमारे सैयारे के ऊपर बहुत सारी फिजिकल और ज्योग्राफिकल चेंजेस आ सकती हैं जो इंसानों को बहुत गहरे तरीके से अफेक्ट करें और पूरे हमारे रहने के निजाम को चेंज कर सके। ओरियन प्रोफेसी में लिखा हुआ है कि जब पोलर शिफ्ट होगा तो जमीन सूरज और हमारी कहकशां सब एक कतार में आ जाएंगे। इस किताब के मुताबिक ऐसा 25,800 साल में एक मर्तबा होता है। ऐसा होने से जमीन का मकनातीसी मैदान अपना रुख तब्दील कर लेगा, मशरिक और मगरिब की समतें तब्दील हो जाएंगी और दुनिया का कोई इल्म नहीं जानता कि ऐसी सूरत हाल में इस जमीन और इस पर बसने वालों के साथ क्या होगा। इस किताब के मुसन्निफ का ये दावा है कि ये सब कुछ 2012 में ही वकूअ पज़ीर होगा। कुछ ऐसे अलूम में कामयाबी हासिल करना जो मख्फी इसरार से ओकल सेंसेस जो होते हैं, मख्फी अलूम जो होते हैं हमारे, उनमें कामयाबी दुनिया में कोई ऐसी एक नई थ्योरी कोई रिसर्च के बाद कामयाबी मिल जाना ये जरूर हो सकता है। इसका ये मतलब है कि हर इंसान की मेंटल और फिजिकल कैपेबिलिटीज जो हैं वो बढ़ जाएंगी। आपने अगर टेलीकिनेसिस के बारे में सुना हो, जो एक बात अजीब सी है, लेकिन अगर हमने किताबों में पढ़ा हुआ है कि एक इंसान कोई चीज को हिलाना चाहता है तो वो हाथ से हिलाने के बजाय सिर्फ अपने दिमाग में सोच से हिला सकता है, ऐसी बातें जो हैं वो 21 दिसंबर 2012 के बाद बिल्कुल केपेबल हो सकती हैं। मगर कोई नेचुरल डिजास्टर, कोई नेगेटिव, कोई साउथ पोल नॉर्थ पोल इधर हो जाएगा, मौसम जहां सर्दी है वहां गर्मी पड़ेगी या गर्मी है वहां सर्दी, ये कोई मुझे नजर नहीं आ रहा। इंजील के बाद शारहीन कहते हैं कि 21वीं सदी के अवाइल में एस्ट्रॉयड, मेटियोर और कॉमेट्स सैयारे जमीन से टकरा जाएंगे, जबकि अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम में कयामत की निशानियों में से एक निशानी ये बताई गई है कि तीन मकामात पर जमीन धंस जाएगी। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने कयामत की निशानियां और अलामात तो बताई हैं, लेकिन कोई मखसूस वक्त नहीं बताया। First aid. Say it all and feel lighter. Much lighter. For details, contact 111-222-111 or visit website. Zone. Say it all.
लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, सरगोधा, पेशावर। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। सारे फैमिली मेंबर्स ने ये महसूस किया कि जिस शहर में कोई चल रहा है, उन सबको पीछे कोई खड़ा हुआ है। दरवाजा भी खुला और उसी घटना में जो है मैडम किया सुसाइड। जी उसी के ब्लड के निशान है। वो क्या है हर हफ्ता रात 7:30 पर। मेरी खबर एक्सप्रेस न्यूज पर, मेरी खबर एक्सप्रेस न्यूज पर, मेरी खबर एक्सप्रेस न्यूज पर। हम सबकी खबर एक्सप्रेस न्यूज पर। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज, सबसे पहले लाइव कवरेज, सबसे पहले हकीकत तक रसाई, सबसे पहले खबर के हर पहलू पर नजर। यहाँ पैदा होने वाला सवाल ये है कि क्या जमीन पर आने वाली इस कयामत में आसमान पर तैरते हुए सितारों ही का अमल दफन होगा, या जमीन पर ये दिन इस पर बसने वाली मखलूक के अमाल का नतीजा होगा। वेब बोट प्रोजेक्ट एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है जो इंटरनेट समेत दुनिया भर में शाया होने वाली तमाम तर मालूमात को स्कैन करके ऐसी पेशगोईयां करता है जो अक्सर हालातों वाकयात पर पूरी उतरती हैं। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि जब वेब बोट प्रोजेक्ट से 21 दिसंबर 2012 के बारे में कुछ पूछा जाता है तो ये मशीन पुरसरार तौर पर मुकम्मल खामोश हो जाती है। चंद तज्जिया निगार कहते हैं कि दुनिया जंगों के नतीजे में इतनी तेजी से तब्दील हो रही है और हालात इतने खौफनाक धारे पर बह रहे हैं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन भी आने वाले दिनों की हौलनाकी देखकर अपने लब सी लेती है। वेबबॉट प्रोजेक्ट एक ऐसा सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर है, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी इन्होंने बनाई है जिससे फ्यूचर के बारे में काफी सारी चीजें प्रोजेक्ट हो जाती हैं। ये 1999 के अंदर डेवलप हुआ था और इसके अंदर जो फैसिनेटिंग बात है कि इसने आज तक जो भी प्रिडिक्ट किया, यहां तक कि इसने 9/11 को भी प्रिडिक्ट किया था। ये इंटरनेट के ऊपर इस्तेमाल होता है और इंटरनेट की सारी इन्फॉर्मेशन को ऑब्जॉर्व करता है और इसको पढ़ के ये इंसान के अनकॉन्शियस माइंड को समझने की कोशिश करता है। और देखा गया है साइकोलॉजी की स्टडीज में कि इंसान का अनकॉन्शियस माइंड बड़ा जरूरी है, क्योंकि इसी से समझ में आता है कि क्या ट्रेंड्स होने वाले हैं, क्या चीजें जरूरी हैं। जो इंसान के दिमाग में होता है वही आगे होता है। लेकिन जो एक अजीब सी बात है कि इस वेब टेक्नोलॉजी ने भी कहा है कि उसको 21 दिसंबर 2012 से आगे कोई प्रोजेक्शन नहीं नजर आ रही। दिफाई माहिरीन ये कहते नजर आते हैं कि दुनिया में कभी भी किसी भी वक्त तीसरी आलमगीर जंग छिड़ सकती है जिसमें एटम बमों के बेतहाशा इस्तेमाल से जमीन अपने महवर से निकलकर खलाओं में भटक भी सकती है और अपनी साख भी तब्दील कर सकती है। इसी के साथ साथ एक मकतब फिक्र को ये फिक्र भी हलकान कर रही है कि 2012 को चंद ताकतें वाजह तौर पर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नाफिज करना चाहती हैं और ऐसा करने के लिए 2012 के बारे में अजीबोगरीब पेशनगोईयां दुनिया के सामने लाई जा रही हैं ताकि दुनिया महकूम होने के लिए अपना जहन पहले से ही तैयार कर ले। और ऐसा करने वाली ताकतें
عالمی جنگ برپا کرنے سے بھی دریغ نہیں کریں گی، جبکہ ناسٹروڈیمس تیسری عالمی جنگ کے بارے میں عجیب و غریب تشبیہ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ انسانوں کے لیے زبردست تباہی کے بعد اس سے بھی بری تباہی اس وقت آئے گی جب صدی ختم ہو کر نئی صدی شروع ہوگی، خون کی بارش ہوگی، دودھ کا تحت ہوگا، جنگ اور بیماریاں نازل ہوں گی اور آسمان پر ایک ایسی آگ نظر آئے گی جو اپنے پیچھے چنگاریاں چھوڑتی ہوئی چلی جائے گی۔ اکثر افراد ناسٹراڈیمس کی اس پیشن گوئی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ایٹمی جنگ کی طرف اشارہ ہی ہے کہ اشرف المخلوق کہلانے والے انسان نے اپنے ہی قبیلے کے لیے تباہی کے ایسے ہتھیار ایجاد کر لیے ہیں جو تمام انسانیت کے لیے شدید ترین خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ میرے حساب سے 21 دسمبر 2012 جو کہا جا رہا ہے، یہ ویب سائٹ اور ایک عام ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے جگہ جگہ، سوائے شوشہ اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہاں، جیسے کہ میں نے اپنے اس میں شروع میں آپ کو کہا کہ کسی اسرار مخفی اوکل سائنسز میں کوئی ایک نیا وہ کہہ لیں کہ عبور حاصل ہو جانا، ایک نئی تحقیق ہو جانا، یا ایک نیا علم جس میں پاور آ جانا، وہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ مائنڈ سائنسز آپ نے دیکھے ہوں گے آج کل بہت چل رہے ہیں، آپ نے کچھ ایسے پروگرام دیکھے ہوں گے باہر کے کہ وہ گلاس کو دیکھ رہا ہے اور وہ گلاس ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے کوئی ایسی اندھونی چیز آگ جلائی، آگ ہاتھ پہ سے صاف کی، تو کوئی چیز میں کامیابی یا اس میں اور مزید اس کو کہہ لیں کہ موڈیفائی یا اور اس میں ایڈوانس لیول پہ جا کے کچھ ایک نئی چیز حاصل ہو جانا، یہ نظر آ رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی نظر نہیں آ رہا۔ ابھی ہم ایج آف پائسیز سے گزرے ہیں، جس کو ویسے لوگ ایج آف ڈسپشن بھی کہتے ہیں، اور 21 دسمبر 2012 کے بعد ہم لوگ جانے والے ہیں ایج آف اکویریس، جس کو لوگ ایج آف مومن بھی کہتے ہیں۔ ایج آف پائسیز کے آنے سے پہلے جو یہ کوئی 100-200 BC کے قریب کی بات ہے، تب بھی جو لٹریچر لکھی جاتی تھی، جو کتابیں لکھی جاتی تھی، اس وقت کی باتیں لوگوں کو عجیب لگتی تھی۔ لیکن اگر ہم پھر ایج آف پائسیز میں جائیں تو جو باتیں پہلے لکھی گئی تھیں وہ خود بخود ایج آف پائسیز میں واضح ہو گئی۔ اگر ہم پچھلے 10-15 سالوں کی فلمیں دیکھیں یا کتابیں دیکھیں، اس میں سائنس فکشن میں کیا کیا چیزیں انہوں نے نہیں بتائیں کہ لوگ اڑ سکتے ہیں، چیزوں کو دماغ سے ہلا سکتے ہیں، پلک جھپک کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ سکتے ہیں۔ تو اگر ہم ایج آف پائسیز سے اس کا انڈیکیشن لیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایج آف اکویریس کے اندر یہ بالکل پاسبل ہے۔ مایان اور آئی چنگ کیلنڈر کے بعد ناسٹراڈیمس کی پیشن گوئیاں، ماہرین فلکیات کے اندازے اور ویب بورڈ پروجیکٹ کی پراسرار خاموشی، یہ سب یہ باور کرانے پر تلے ہوئے ہیں کہ زمین پر وہ وقت آنے والا ہے جب نہ زمین رہے گی اور نہ ہی وقت۔ لیکن یہ قیامت کب آئے گی، تمام تر اندازوں کے باوجود پورے وثوق کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ قیامت کے بارے میں تو صدیوں سے پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں، لیکن آخر کب تک یہ پیشن گوئیاں سچ ثابت نہیں ہوں گی؟ اچانک ایک دن ایسا آ جائے گا کہ اس کے بعد پھر کوئی دن نہیں آئے گا۔ قیامت کا کیا ہے؟ آج بھی آ سکتی ہے، کل بھی، پرسوں بھی، اور برسوں بعد بھی۔ جب ایک دن زندگی کا یہ تماشا رنگ و بو ختم ہونا ہی ہے، تو پھر آج یا کل کا کیا سوال؟ اگر سب کچھ حاصل کرنے کی دوڑ میں بھاگتا ہوا انسان ایک لمحے کو یہ سوچ لے تو کانپ کر رہ جائے۔ تیزی سے گزرتا ہوا وقت شاید اسے توبہ مانگنے کی بھی مہلت نہ دے۔ جس دن سورج مغرب سے طلوع ہوا، اس دن تو توبہ کے دروازے بھی بند ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ امید کے سب دروازے بند ہو جائیں، انسان اپنی روش درست کر کے وہ سیدھا راستہ اختیار کر لے جو اسے ازلی مقصد کی ابدی منزل کی طرف لے جاتا ہے۔ خدا نے وقت کی تقسیم تمام انسانوں میں مساوی رکھی ہے۔ ہر نئے روز اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کو 24 گھنٹے عطا کرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وقت کی یہ کرنسی ہمیں ملنا بند ہو جائے، ہمیں چاہیے کہ ان 24 گھنٹوں کو پوری ایمانداری اور ہوشیاری سے استعمال کریں، کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ آنے والے وقت میں دنیا ہو یا نہ ہو، آنے والی دنیا میں وقت ہو یا نہ ہو۔